एक नंबर बाबा, ये है करंट सीन ऑफ न्यू दिल्ली। बरसात हो के चुकी है, देखो सब कुछ भीग गया, ओले पड़ गए थे बल्कि बरसात, क्या वो बेहतरीन बादल चारों तरफ। वो मोती नगर के DLF है, वो बिल्डिंग जो दूर खड़ी है वो करोल बाग वाली है, और यहाँ बीच में हम हैं दिल्ली के बीच में नहीं है हम, बहुत बातों के और बीच में है, और आप सबके बीच में है। करते हैं आज बियर महफिल शुरू लॉकडाउन के बीच, इसी आशा में कि ये बरसात लोगों के लिए राहत लेके आएगी। आज हम हैं ट्यूबर्ग के साथ, ट्यूबर्ग हरियाणा की है भाई, ये दिस इज़ डिफरेंट। कोपेहेगन डेनमार्क का इस पर लोगो बना होता है, 8% नॉट एक्सीड, मतलब 8% तो है ही है, फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। और मैं देखना चाहूँ कहाँ बनी है बॉटलिंग इसकी, कहाँ है, तो इसकी बॉटलिंग हुई है कार्लसबर्ग इंडिया में, कार्लसबर्ग ब्रांड की है। ढोल बज रहे हैं, बहुत बढ़िया। रेवाड़ी में बनी है जी, तो रेवाड़ी वालों सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो। मौसम बहुत अच्छा है, साथ में आज हमारे हिमाचल वाले दोस्त ने हमें नवरत्न के साथ जो नमकीन बनानी सिखाई दी, आज हम उसका उपयोग करेंगे। हम खुद बना के कुछ नहीं किया, नवरत्न के 3-4 पैकेट लाओ और डाल दो एक बॉल में, हरी मिर्च प्याज टमाटर में कच्चे खाता नहीं, उसको मिक्स कर दो और बढ़िया चखना रेडी हो जाएगा आपका। पहले भी मैंने आपको दिखाया था अपने दूसरे चैनल पे, मतलब चैनल तो यही था, नाम अलग था, तो ये चैनल वही है दोस्तों अभी भी। तो आज भी कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे लगाएं, आज आपसे बात करते रहें, चेक करें पहले कैसा बना। नाइस, आई एम एक मिनट ग्लास वॉश करके। चलिए तो ट्यूबर्ग, क्या महक है, क्योंकि जब आप बहुत दिनों बाद पीते हैं, जैसे मैं बियर आज बहुत दिनों बाद पी रहा हूँ, तो आपको वही पुराने दिन याद आ जाते हैं जब आप शुरू शुरू में पीते थे। तो आप देखेंगे वो जैसे झाग बन जाते हैं, वो नहीं बने, वो इसलिए नहीं बने क्योंकि बियर गर्म नहीं है, ठंडी है, और थोड़ा सा नमकीन में भी बियर फ्लेवर डाल देते हैं। लेट्स सी आज ज़्यादा नशा होगा क्या भाई, ना मैं कान अलग ही करता हूँ मैं भी। चलिए जय भैरव की। मौसम बड़ा सुहाना है, ओले पड़ चुके हैं दिल्ली में, तो एक बात बताऊं, बड़े दिनों से जो दिल्ली की बियर है वो अच्छी नहीं लग रही थी, पर आज इसका नाम हरियाणा से आई हुई, आज ये ट्यूबर्ग पे हरियाणा छपा हुआ है, रेड रेड फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। आज पी के इतना मज़ा आ रहा है ना, जैसे वो कुरुक्षेत्र या करनाल में मैं खड़े होकर पी रहा हूँ बैठ के, आज वैसा नज़ारा भी वैसा हो गया। दिल्ली का मौसम को पता है, अमूमन तो ऐसा होता नहीं। बढ़िया बढ़िया क्वालिटी, एक बार मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं इसकी, 2/4/21 यानी 2 अप्रैल 21 की है भाई, और 1/10/21 एक अक्टूबर तक यूज़ हो सकती है, सॉरी 10 क्या होता है, नवंबर होता है ना, नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर ही होता है। बहरहाल शराब पीना सेहत के लिए दोस्तों हानिकारक है, आज भी हानिकारक है, कल भी हानिकारक था, चाहे कोई विराट कोहली इसको अपनी शर्ट पे पहन के घूमे, चाहे हम इसके साथ महफिलें लगाएं, पॉडकास्ट करें या रिव्यू करें, हानिकारक है। तो अच्छी तरह पिए, अच्छे पालन करके अपने शरीर का, मानसिकता का एंजॉय तो हम सब करते ही रहते हैं, और जैसे ही लॉकडाउन की हालत, जैसी हो लॉकडाउन थोड़ा सही होएगा
तो मैं थोड़ा घूमने का ट्राई करूँगा और फिर आपसे मिलेंगे और अलग अलग शहरों में मैं आऊँगा। हरियाणा तो पक्का आऊँगा, पंजाब पक्का आऊँगा, वहाँ तो घूमेंगे ही घूमेंगे। उसके बाद देखते हैं कहाँ, कलकत्ता जाए या कहाँ जाए, क्योंकि सिर्फ अल्कोहल ही मेरा मकसद नहीं है, और भी है, ठीक है, और भी कई दिमाग में प्रयत्न हैं जो पूरे नहीं हो पाते, पर पूरे पूरे करके रहेंगे हम, टेंशन मत लो आप, धीरे धीरे ही सही, ऊपर वाला यूँ ही साथ देता रहे। अच्छा, ट्यूबक पे आ जाते हैं। ट्यूबक स्ट्रॉन्ग है और ख़त्म होने तक बताऊंगा कि एक बोतल में काम हो जाएगा या ज़्यादा चाहिए, ठीक है, पता लगाते हैं आज। माना कि काबिल होना है, माना कि किसी मुकाम की ज़रूरत है, पर आज भी हर चीज़ से ज़्यादा इंसान को इंसान की ज़रूरत है। दिल के दरिया में कुछ लहरें बहाए रखना, ए इंसानों, इंसानियत का दिया जलाए रखना। बढ़िया। और हवा ठहर गई है, हल्की हल्की हवा जो ब्रीज मुंह पे लगती है ना, वो लग रही है। और आसपास अभी छतों पे कोई नहीं क्योंकि बारिश है। अगर कोई इधर उधर आएगा, कोई नहीं, हम बैठे रहेंगे, हम कौन सा चोरी कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के अपने पैसों की पी रहे हैं भाई। अब इतने दिन से बंद बैठे हैं, मेंटली ब्रोक डाउन भी होता है भाई। अब हम नेता लोग तो है नहीं कि घरों में हमारे पहुंचा दी जाएगी, हमने भी किया जुगाड़ तो भाई आ गई, वो भी ट्यूबक। बढ़िया है यार, क्रिस्पीनेस भी अच्छी है और मैं कह सकता हूँ आज इसका असर भी अच्छा होगा। एक तो मैं बहुत दिनों बाद पी रहा हूँ और एक तो मेरा पेट भी ज़्यादा नहीं भरा हुआ, और मौसम का भी असर है। कई लोग कहते हैं बारिश में पता नहीं लगता, बट आज पता लग रहा है क्योंकि मैं इतना भी सॉरी बट आज पता लग रहा है क्योंकि मैं इतना भीगा नहीं हूँ बारिश में, हल्का हल्का भीगा हूँ। और करीब 3 बजे से ऐसा मौसम हो रहा था, फिर बरसा, फिर ओले भी पड़े, फिर तो बियर खोलनी थी भाई, और अभी ठेके खुले होते तो और भी ले आते, बट आज लिमिट में ही पी लेंगे भाई। अब भी चालू लोगों, आपको पता ही है, अगर मैं लाया हूँगा तो एक तो नहीं लाया हूँगा, हाँ भाई और भी पड़ी है। पर बहरहाल महफिल इसकी लगेगी, तो महफिल को अच्छी तरह इंजॉय करना। अगर आप ट्यूबक के फ़ैन हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, जैसा आपको अच्छा लगे भाई। सबसे अच्छी खास बात क्या है इसकी, देखने में इतनी बहुत सुंदर है, जैसे किंगफिशर लाल होती है, इसका थोड़ा अलग स्वैग है, गोल्डन कलर की पट्टियां हैं। पहले मैं भी तो ये आती थी हिमाचल से, ब्रेवरी थी या पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग होती थी भाई, वो शायद कई ठेके वाले जैसे रखते हैं ना, तो भाई मैं उस ठेके पे पीता था, वो शायद मोर ऑफ ए प्राइवेट ठेका था, जैसे मॉल में होते हैं जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो बियर पी के बियर पीता था आराम से, बस स्टैंड के पास ठेका था इंद्रलोक की, जो मैंने आपको दिखाया था एक दो वीडियो में, और भी है, वहाँ पार्किंग में बैठ के पीता था। अच्छा, खास बात की क्या थी वहाँ पे, ऐसे मान लो 95 की बियर है तो वो 5 रुपये वापस नहीं देता था, वो 5 की नमकीन देता था, दे देता था, तो मेरे को और भी बढ़िया हो जाता था, मेरे को दुकान नहीं ढूंढनी पड़ती थी। मैं लेता था भाई 95 की बियर, 5 की नमकीन, पार्किंग के बीच में खानी, ओए होए पीनी, चिल्ड, क्योंकि रात की सबसे ज़्यादा चिल्ड होती थी। वो ठेका खुलता था 10:30 बजे सुबह और मेरा पहला लेक्चर होता था 11 बजे। मैं भाई 10:15 पे पहुँच के, वो सबसे पहला कस्टमर मैं ही होता था उसका, वो कहता था भाई आ गया, मैं कहा हाँ भाई, कह रहा ले भाई, मैं कहा भाई जल्दी दे, कॉलेज जाना है, मैंने मेरा लेक्चर है 11 बजे का, देता था मुझे भाई वो, फिर मैं चला जाता था। इसका रेट नहीं लिखा क्या, रेट रेट ही नहीं लिखा भाई साहब, के बात से। और विकास राठी भाई क्या हाल है तेरे, इंस्टाग्राम पे तू मौज कर रहा, खेतों में तूने दिखाया कि
अच्छा, कई जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे अपनी तस्वीरें भेजते हैं, जैसे मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, वो मुझे अपनी तस्वीरें या वीडियो भेजते हैं इंस्टाग्राम पे। तो तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आ सकते हो, ट्रैवलिंग बोटल या टेक्निकल शराबी, एक ही अकाउंट है मेरा, और मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है। मेरे अकाउंट से या मेरे नाम से कोई शरारत करे तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा एक यूट्यूब अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, बाकी जो मेरे नाम से अकाउंट है वो आप जानते हैं, मैं उनको ज़्यादा फेमस नहीं करना चाहता। और मैं ये चैनल भी बस नॉर्मली रखना चाहता हूँ, हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़े ओपन माइंडेड है, जो एन्जॉयमेंट के लिए पीते हैं। कर लूँगा इस पर भी, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ आने वाले टाइम में, ये बात पक्की है, जब हम 10,000 तक पहुँच जाएंगे मे बी, और मे बी सब कुछ बढ़िया चलता ही रहेगा यार, तब करेंगे इसमें नई नई चीज़ें। तब तक के लिए जुड़े रहें, और मेरे को कमेंट में बताया ज़रूर करो कि आपको महफिलें लगती कैसी हैं। ख़राब लगती हो तो, मतलब अगर आप अंत तक देखते हो तो मज़ा ही आ गया। जैसे मैं कई बार आधे घंटे की वीडियो बनाता हूँ, आज मेरा मन है बनाने का, बट आज मेरे पास एक ही बोतल है। क्या है नमकीन ना, वैसे अगर आप खाते हो तो नमकीन मुझे पसंद नहीं आती, बड़ी ड्राई ड्राई लगती है, बट जब इसको हम थोड़ा सा हरी मिर्च प्याज नींबू के साथ करते हैं तो इसका मज़ा दोगुना तिगुना चुगुना हो जाता है, फिर ये नमकीन नहीं लगती, फिर लगता है आप सब्ज़ी खा रहे हो बहुत अच्छी वाली। तो ट्यूबग मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है भाई, क्योंकि जो बियर पीते हैं उनको पता ही होता है, और सबकी शुरुआत बियर से ही होती है ज़्यादातर, हम भी उनमें से है जिनकी शुरुआत बियर से हुई थी। अच्छा, पहली बार आपके होठों में कब लगी थी? बहुत पहले लगी थी पूछे जाए तो, और वो क्या लगी थी? रॉयल स्टैग लगी थी। मेरा भाई है, सबसे बड़ा कज़न, उसकी कॉकटेल पार्टी थी वहाँ भाई, मैं देखूँ ये गोल्डन गोल्डन क्या पी रहे हैं लोग, सबके ग्लास में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। अब भाई बच्चा दिमाग तो था मैं, पर हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी भी थी, तो भाई गेनी की ग्लास क्या उठाता, मैंने उठाई बोतल, सीधा बढ़ गया बाथरूम में, कॉकटेल पार्टी चल रही थी, बाथरूम में बड़ा वो भाई, सीधा मुंह पे लगा ली ढक्कन खोल के। उसके बाद मेरे को ऐसा स्वाद आया जैसे परफ्यूम हो, तो मैं थोड़ा भाई बच्चा था तो डर गया कि भैनचोदी क्या परफ्यूम सा जला जला सा पीते हैं लोग। मैंने रख दी बोतल बाथरूम में ही, बाहर आ गया, किसी को पता नहीं लगा। जब इतनी दारू होती है वैसे ही लोग टल लिए होते हैं। तो वो पहली बार मेरे शराब का एक्सपीरियंस वो था, चाहे वो एक घोट का ही था पर था। उसके बाद मेरे कज़न वगैरह पीते थे, उन्होंने फिर बियर की कैने पिलाई, कई लोग मेरी स्मोकिंग का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो मैं स्मोकिंग नहीं करता, पर मेरे सारे दोस्त स्मोकिंग करते हैं। अब आप कहते हो संगत का असर, संगत का असर तब तक नहीं होता जब तक आप ना चाहो, क्योंकि अगर मेरे को संगत का असर होता तो मेरा ईच एंड एवरी फ्रेंड इज स्मोकर, बट आई नेवर स्मोक्ड रेगुलरली। जैसे चलो पहाड़ों पहाड़ों पे चले गए तो कश मार लिया, कश ही मारता हूँ तब भी, ये नहीं कि मुझे, मेरे को स्मोक में इतना मज़ा नहीं आया, मेरे को शराब बहुत बढ़िया लगी नो डाउट, और शराब के साथ मेरी बहुत यादें भी हैं, बियर के साथ, अल्कोहल के साथ, और कोशिश करता हूँ, मुझे करता रहूँ इसके साथ और आप सबके साथ। फिर हम इस चैनल पे तो जुड़ी जाते हैं, बातें कर ही लेते हैं, ये हमारी कम्युनिटी है जी। अच्छा, कम्युनिटी टैब भी देखते रहा करो, अगर आपको बातें करने का ही शौक है तो मैं चैट सेशन रखता हूँ आज रात को, या मतलब जब भी, तो ये मत सोचना कोई यूट्यूबर है जो वीडियो बना रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी तरह ही हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हो करना चाहो तो, मन नहीं है तो मत करो, प्रेरित नहीं कर रहा मैं आपको, तो मेरे से बात करनी है तो भाई भाइयों की तरह किया करो ना, वाली डिमांड रखा करो, एक जर्नी है, करते रहेंगे। बाकी जो ट्यूबर के भाई, बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं ना सुरूर बांध रही है, ऊपर से ये मौसम जो खुदा ने दिया, बहुत बहुत
शुक्रिया ऊपर वाले का यार हर चीज में। मजा आ गया, बड़े दिनों बाद बियर में मजा आया। और कई बार ये तो पीने वाले भी है कि भाई पीने वालों को दो घूंट भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल मेरे यारो। वो बड़ा अपना ग्लास, चारों ओर ट्रैंक्विलिटी फैली हुई है, मतलब पीस शांति फैली हुई है, बहुत मजा आ रहा है भाई। अब मौका मिला मुंह से लगाने का इसको। देखो असर के मामले में इतना मुझे पता लग गया कि असर अच्छा करेगी, मेरे को फुल झूम 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 हो जाऊंगा मैं, तो असर अच्छा है भाई हरियाणा की ट्यूबक का। बाकी हरियाणा में आके पी लांगे फिर अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई, क्यों मेरी नज़रों में भाई ट्यूबक हाईली रिकमेंडेड है हरियाणा वाली। मैं इसको दूंगा 5 में से 4 अंक, क्यों, क्योंकि इतनी बढ़िया बियर है भाई। हालांकि थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, क्योंकि जब इसका जो टेक्सचर आ रहा है आज मुंह में उसमें थोड़ी और ना डेप्थनेस होनी चाहिए थी, कि जैसे आप एक शेक पीते हैं तो उसकी लेयर्स होती है, तो लेयर्स कम लगी, थोड़ी पतली लगी, शायद ठंडी ज़्यादा हो इसीलिए। बट वैसे भाई हाईली रिकमेंडेड है ट्यूबक। किसके लिए हाईली रिकमेंडेड है? फॉर एवरीथिंग, अकेले पीने के लिए भी, टूर के लिए भी, दोस्ती के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी, पेटी के लिए भी, तो ट्यूबक हरियाणा इज़ रिकमेंडेड। नॉट श्योर अबाउट दिल्ली राइट नाउ जो लॉकडाउन के बाद, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन का इतना इफेक्ट पड़ा है शराबों पे भी कि वहाँ धांधलेबाजी चालू हो गई है, और तब से दारू की क्वालिटी भी कम होनी शुरू हो गई थी भाई, जब से 2014 मोदी गवर्नमेंट से ही सब कुछ ऐसा होने लग गया था, रेट बढ़ गए थे, क्वालिटी घट गई थी। चलिए खैर कोई नहीं, अब पी के एक्सपीरियंस तो आपको देना ही है और आप सबसे बात करने में इतना मज़ा आता ही है। आज की इस खुशनुमा शाम में आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अगर आगे वीडियो तो क्या कंटिन्यू करूँ, थोड़ी सी बची है पी लेता हूँ। असर बहुत अच्छा है, असर के मामले में भी हरियाणा नंबर वन हो रहा है भाई। जो लोग कहते हैं भाई हरियाणा का ये होता है पानी, ये है कड़वा, ये लगता है, वो चूतियाँ बनाते हैं। मस्ट ट्राई है ट्यूबक हरियाणा मेरी नज़रों में, और ये टाइम तो था ही कि आपको जाके मिले वहाँ की पी लो। बाकी मैं कभी नखरे नहीं करता कि कोई कहता है यूपी की नहीं पीनी, कोई कहता है हरियाणा की नहीं पीनी, कोई कहता है पंजाब की नहीं पीनी, मैं तो पी लेता हूँ भाई जो मिलती है। ठीक है भाई, रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना, ये महफिल कैसी लगी ज़रूर बताना। आशा करता हूँ ऊपर वाला सब पे अपने अपने रहमो करम रखेगा और इस दुनिया को, पर उसके लिए हमें जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। जागरूकता की बातें आगे करेंगे किसी और महफिल में। फिलहाल मैं चाहता हूँ आपका मूड अच्छा हुआ हुआ तो आप लाइक दबा दो, कमेंट कर दो भाई कैसी लगी बातें, आपसे बात कर लूँगा इसी बहाने रात को, आजकल कुछ और करने का तो होता नहीं। चलिए खैर मिलते हैं अगली बार किसी और महफिल पे। कैसी लगी ट्यूबक स्ट्रॉन्ग की महफिल ज़रूर बता रहा हूँ।